मेरा एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया। ये स्टिंग ऑपरेशन करीब एक माह पूर्व किया गया था। 3 से 4 लोग मेरे बंगले रेजिडेंस पे आए थे, उनमें से एक महिला द्वारा मुझे कॉल किया गया था और बताया गया था कि वह महादेव ऐप को समझना चाहती है और उस पर कुछ डिस्कस करना चाहती है। करीब 3 घंटे के वार्तालाप के कुछ सेंटेंसेस को कट करके ऐसा चलाया गया जिससे कि डिस्टॉर्टेड मैसेज जो है वो जा रहा है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन भूपेश बघेल सर द्वारा क्लियर इंस्ट्रक्शंस सारे पुलिस अधीक्षकों को, स्पेसिफिकली दुर्ग और एवं रायपुर के पुलिस अधीक्षक को दिया गया था कि महादेव ऐप के ब्रांचेस शहर के अंदर, राज्य में कहीं भी और देश के भी कहीं पर हो तो उस पर छापामार कार्रवाई करनी है। दुर्ग में 27 अप्रैल 2022 से लेके 27 मई 2023 तक दुर्ग में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत था। इस बीच मेरे द्वारा 40 ब्रांचेस को देश भर में महादेव ऐप को नस्ताबूत किए गए, जिसमें कि 8 अलग अलग राज्यों में जाकर टीम ने कार्रवाई की। इसमें 15 करोड़ से ज्यादा पैसे फ्रीज किए गए और 150 करोड़ के ट्रांजेक्शन हमें मिले। करीब 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सारे गिरफ्तारियां मीडिया के सामने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, जिसमें मेरे द्वारा उनसे जो पकड़े गए लोगों से प्रश्न पूछा जाता था और मीडिया बंधु भी अपने प्रश्न पूछ सकते थे। पूरे पारदर्शिता के साथ महादेव ऐप पर दुर्ग पुलिस ने लगातार कार्रवाई किया। ये कहना गलत होगा कि हमें किसी कार्रवाई के लिए किसी भी तरह से कोई रोक टोक था। माननीय मुख्यमंत्री जी को जब भी हम कार्रवाई करते थे इसके बारे में जानकारी देते थे, वो स्वयं इसकी जानकारी लेते थे और लगातार कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करते थे। ये कहना गलत होगा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कभी भी मुझे इसमें कभी भी रोका गया हो। मेरे रेंज आईजी एवं डीजी सर द्वारा भी एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि ऑनलाइन बेटिंग पे ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी है और इसकी वीकली मॉनिटरिंग की जा रही थी, क्योंकि इसके सरगना यूएई में, दुबई में रहते थे। मेरे द्वारा तुरंत उनके लुकआउट सर्कुलर इश्यू किए गए, उनके खिलाफ 4 FIR गैर जमानती 420 IPC के तहत की गई। क्योंकि विभिन्न राज्यों में इनके पैनल फैले हुए थे तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन करने की आवश्यकता थी, क्योंकि पुलिसिंग जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। इसके बावजूद हमने 8 राज्यों में जाके 17 ब्रांच को जो है वहां की पुलिस के कोऑर्डिनेशन में नस्ताबूत किए। मेरे द्वारा मेरी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह से स्टिंग ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। मैं नक्सल अभियान में 6 वर्ष दंतेवाड़ा में पदस्थ रहा और 1 वर्ष दुर्ग में पदस्थ रहा हूं। लगातार जितने गैर कानूनी कार्य हैं उस पर लगातार मेरे द्वारा कार्रवाई की गई है। मुझे खेद है कि मेरे इंटरव्यू को तोड़ के मरोड़ के गलत ढंग से पेश किया गया। मैं दोबारा अपने आप को स्पष्ट करता हूं कि महादेव ऐप में देश भर में यदि किसी एक पुलिस ने कार्रवाई की है तो वो दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की है, और ये कार्रवाई बिना सीनियर ऑफिसर्स और बिना राज्य शासन के सतत मार्गदर्शन, सहयोग एवं स्पष्ट निर्देश के बिना होना संभव नहीं था। मैं लगातार महादेव ऐप कैसे काम करता है, क्या है, जब 2022 में दुर्ग पुलिस ने महादेव ऐप पे काम करना शुरू किया था तो उस टाइम लोगों को महादेव ऐप के बारे में पता नहीं था, उसके संचालन के बारे में पता नहीं था, वो कैसे काम करती है उसके बारे में पता नहीं था। हमारे प्रेस लाइव कॉन्फ्रेंस के कारण लोगों को महादेव ऐप के इंटेंसिटी के बारे में, और महादेव ऐप नेशनल पिक्चर में इसीलिए आया क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसके ऊपर सतत कार्रवाई की, अन्यथा महादेव ऐप का जो है फलता फूलता रह जाता। जब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, हमने विधि संगत सारे डॉक्यूमेंट्स ईडी को सौंपे, जो दिखाता है कि पुलिस की कोशिश थी कि राष्ट्रीय एजेंसी और स्टेट एजेंसी मिलकर इस महादेव ऐप के ऊपर घातक हमला कर सके।
और मेरे जाने के बाद भी दुर्ग में लगातार महादेव ऐप पे कार्रवाई हो रही है। जो षड्यंत्र पूर्वक जो मेरा वीडियो स्टिंग वीडियो बनाया गया वह अनएथिकल है, और निश्चित रूप से यदि पूरा इंटरव्यू देखें तो क्लियर होगा कि मेरी मंशा बताने की कुछ और थी और उसको टेढ़े मेढ़े ढंग से पेश किया गया। दो दिन पूर्व एक निजी न्यूज चैनल द्वारा मेरा स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया था। ये स्टिंग ऑपरेशन एक माह पूर्व किया गया था। एक महिला द्वारा मुझे कॉल किया गया कि वो महादेव ऐप के बारे में समझना चाहती है और कुछ लोगों के साथ मेरे रेफरेंस पर आई। उसके द्वारा 3 घंटे की रिकॉर्डिंग हिडन कैमरास के द्वारा किया गया और उसके कट कर कर चीज़ें जो हैं चलाई गई, जो कि डिस्टॉर्टेड और गलत मैसेज, परपर्टेड मैसेज मिसरीड करके दे रही है। इस वीडियो में ऑनरेबल सीएम सर के सुपुत्र के बारे में भी है। सीएम के सुपुत्र, जब भी मैं उनसे मिलता था, उनके द्वारा हमेशा महादेव ऐप के बारे में इफेक्टिव कार्रवाई करने के लिए कहा जाता था। उनके द्वारा ये कहा जाता था कि किसी भी तरह से बेटिंग को हमें रोकना है, जिससे कि लोगों का नुकसान ना हो और शासन की छवि खराब ना हो। आईएएस ऑफिसर सुब्रत साहू सर, एसीएस, पहले वो एसीएस होम थे, तब भी हमेशा मार्गदर्शन दिया करते थे और उनके द्वारा हमेशा होम में रहते हुए भी लगातार महादेव ऐप पे कार्रवाई की बात कही गई। अनिल टुटेजा सर सीएम सेक्रेटारिएट पे थे, आईएएस, उनके द्वारा भी लगातार डे टू डे चीज़ों में जब भी डिफिकल्टी हो पूछने पे मार्गदर्शन दिया जाता था। और इस वीडियो में कुछ चीज़ें डिस्टॉर्ट करके दिखाई गई हैं। दोनों अधिकारियों द्वारा लगातार इलीगल चीज़ों पर इफेक्टिव कार्रवाई के निर्देश दिए जाते थे।